हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, उसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको परमानेंटली डिलीट करना है या फिर आपको टेम्प्रेरी कुछ टाइम के लिए डिलीट करना है, वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा कि अब अगर आपको परमानेंट ना करके आपको टेम्प्रेरी डिलीट करना है उसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रोज लाता रहता हूँ। उसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम पर आना है। इंस्टाग्राम पर आने के बाद इधर प्रोफाइल पर आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में ही, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पर्सनल डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स के बाद से यहाँ पे आपको मिल जाता है अकाउंट टू ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डीएक्टिवेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप फेसबुक से आपका अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे दोनों शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम का अकाउंट अपना डिलीट करना है तो मैं इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट अकाउंट, डिलीट योर अकाउंट इज परमानेंट। अगर आपको परमानेंट करना है तो इस परमानेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए टेम्प्ररी करना है तो यहाँ पे टेम्प्ररी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परमानेंट करने वाले हैं तो परमानेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। परमानेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे हम यहाँ पे क्लिक कर ले रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको रीजन सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ फिर से यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका ये पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, आपका जो भी पासवर्ड है यहाँ से आप उसको पासवर्ड को फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ से इजीली डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है नीचे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करके आपके यहाँ पे कोई OTP वगैरह आएगा, उसको आप फिर से यहाँ पे डालोगे तो आपका जो अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।